हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोल लिखी किताब द पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में, जिसे सुनकर आप अपने ब्रेन के पेनफुल थॉट्स को काबू करने में सफल हो पाओगे। आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहना सीख जाओगे। ऐसे में आपकी बॉडी एनर्जी से भर जाएगी और बीमारी और कमजोरी आपसे कोसों दूर होगी। तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ नाउ बुक को संक्षिप्त समरी के माध्यम से। तो द पावर ऑफ नाउ बुक में सबसे पहला कंसेप्ट है सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। सबसे पहले हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा ब्रेन ही होता है, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग बीती हुई बातों के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे हम दुखी होते हैं और इसका बुरा असर हमारे बॉडी को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगती है। इन हार्मोन की वजह से हमारी हार्ट बीट्स एकदम बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती है, हमारा गला सूखने लगता है और हमें तनाव होने लगता है। इस तरह स्ट्रेस लंबे समय तक रहने से हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए लेखक ने ब्रेन को बॉडी से अलग रखने को कहा है, जिससे आप अपने ब्रेन के निगेटिव थॉट्स को बॉडी तक नहीं पहुंचने दे सकते। इसी तरह से गौतम बुद्धा ने भी मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी, वे अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल कर लेते थे। दो, ऑब्जर्व योर माइंड। जब आप अपने ब्रेन से अपनी बॉडी को अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद ये सोचे कि ऐसी कौन सी थिंकिंग थी जो आपको परेशान कर रही थी। ऐसे में यदि आपको दूसरों से ईर्ष्या हो रही है, तो ऐसे विचारों को खुद से अलग करो। आप ये सोचे कि दूसरों ने जो हासिल किया है वो उसके मेहनत का फल है। आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी सफलता जरूर मिल जाएगी। दूसरों की शोहरत से खुद की तुलना करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब बाद में यही रह जाना है। ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दो, तभी ये निगेटिव विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। तीन, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग तो बीते हुए पलों में ही जीते रहते हैं, तो कुछ लोग भविष्य की सोच में ही पड़े रहते हैं। इन दोनों परिस्थिति में ये लोग दुखी ही रहते हैं। ऐसे में वे बीती हुई गलतियों का रोना रोते रहते हैं। आप कितना भी रो लें, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, वे सोचते रहते हैं कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं अमीर बनूंगा। हर कोई इसी चिंता में डूबा हुआ है। इसी चक्कर में लोग अपनी वर्तमान लाइफ को ठीक से जी ही नहीं पाते। आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। जो भी अभी आपके पास है और अभी तक आपने हासिल किया है, उसके लिए इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करो। ऐसा करने से आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि आपके पास जो भी है बहुत है। आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए और ऐसे में दूसरों से अपनी बराबरी की न सोचें। चार, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा सी भी मुसीबत आ जाए तो आप सोचते हैं कि हे भगवान, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन असल में ये निगेटिव स्टेटमेंट है जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं। इसे आपका ब्रेन डीमोटिवेट हो जाता है, फिर आपकी तरफ और मुश्किलें आने लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ किसी एक की ही लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी और के नहीं हो सकती। प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में होती है। आपको अपना ऐसा माइंडसेट बना लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, इन प्रॉब्लम को मैं सुलझाते रहूंगा और अपने लाइफ में खुशियों का मजा लेते रहूंगा। आप दूसरों की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आपकी भी दूसरों की मदद करने की ताकत होनी चाहिए। कोई बुरी घटना घट जाने पर ज्यादा दुखी ना हो जाए, बल्कि उसे पॉजिटिव तरीके से स्वीकार करें और खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। पांच, बी इन अलर्ट स्टेट। जब आपकी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं तो आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पल पल जिंदगी बदलती रहती है। ऐसे में आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, उस समय और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आया हो और आपने ध्यान नहीं दिया, तो जरूरी नहीं कि वो आइडिया बार बार आपके दिमाग में आए।
ऐसे आइडिया जल्दी से गायब भी हो जाते हैं, इसलिए अलर्ट मोड में रहना चाहिए। लाइफ के किसी भी मोड में कुछ भी घटना हो सकती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। इसलिए ये मानकर ना बैठे रहो कि सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6. ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जरा सी सफलता पाते ही ईगो में आ जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है, वे अपने सामने लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे में उनका धीरे धीरे पतन होने लगता है। ऐसे लोगों से निगेटिव वाइब आने लगती है और लोग उनसे दूर जाने लगते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल की तरह है, उसे इस समाज की हर समय जरूरत पड़ती रहती है। लोग यदि आपको नापसंद करने लगेंगे तो मुसीबत में कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा। ऐसे में उस इंसान का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है। इसलिए आपको अपने अंदर ईगो नहीं पालना चाहिए। सफलता मिलने पर भी हम्बल रहे, एकदम से हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7. फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। जब हम किसी बोरिंग काम को करते करते थक जाते हैं और कोई हमें पार्टी या घूमने के लिए बोलता है तो हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कुछ लोग 12-12 घंटे काम करने पर भी नहीं थकते और कुछ खिलाड़ी घंटों तक प्रैक्टिस करने पर भी नहीं थकते। उनके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। आपको भी अपने अंदर ऐसी ऊर्जा को महसूस करना है। आपको आंखें बंद करके ये बोलना है कि मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और मेरे अंदर इस ब्रह्मांड की शक्ति है। ऐसा करते हुए आपको अपने काम के साथ साथ खुश रहना होगा। उस काम में आपको इंटरेस्ट लेना होगा। अपने काम को अध्यात्म से जोड़े। इन तरीकों से आपके अंदर भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। 8. रिलेशनशिप डिटैचमेंट। हम इंसान रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी को अपने माँ बाप से दूर जाने का गम सताता है तो किसी को अपने प्रेमी से दूर जाने का गम सताता है। इस तरह से रिश्तों से ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये अटैचमेंट निर्वाण प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने सारे सांसारिक सुखों और मोह माया को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े थे, तभी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के भी प्यार या मोह में अंधा नहीं होना है। आपके दिल के करीबी आपसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो बेवजह परेशान नहीं होना है। 9. डिटैच टू फाइंड पीस। लोग अब मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें खुशी नहीं मिलती है तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। यदि ऐसे लोगों को वो खुशी मिल भी जाए तो उनका लालच कम नहीं होता है। उन्हें हमेशा दूसरों से एक लेवल बढ़िया और महंगी चीज चाहिए होती है और वे जल्दी से बोर भी हो जाते हैं। ये चीजें ही आपके दुखों का कारण है। ऐसी चीजों से मोहमाया को त्याग देना चाहिए। जब कुछ लोगों के पैसे डूब जाते हैं या उन्हें घाटा हो जाता है तो वे गुस्से से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपने पैसों से अटैचमेंट हुआ होता है। ऐसा करने से उनकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। इन चीजों से उनको खुद को डिटैच कर लेना चाहिए। जो इंसान इन मोहमाया से परे होकर खुश रहे तो समझ लेना उसने मानसिक खुशी को पा लिया है। 10. सरेंडर वर्सेस रिजाइन। जैसे कुछ लोग अपने सफलताओं में ही डूबे रहते हैं, वे उसके बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे में कुछ लोग तो स्ट्रेस में चले जाते हैं और सिगरेट, शराब और बाकी के नशे करना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीजें एकदम व्यर्थ की है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? तुम्हारा ऐसा क्या खो जाएगा जो तुम लाए हो? इसलिए कभी भी हार मान लेने की ना सोचे, बल्कि अपने गलतियों से सीखना है और फिर से कोशिश करना है। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही आपको सक्सेस मिल सकती है। आई होप आपको द पावर ऑफ नाउ की बुक समरी काफी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ऐसे और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।